श्री सदगुरु शिवात्मा रामदास ने यूं समझाया है। फिक्र करना छोड़ दें। ये दुनिया फिक्र करती हैं, इसी वजह से मरती हैं। फिक्र करना छोड़ दें, फिक्र की कर ले फाकी, फिक्र की कर ले फाकी, तब तू देखेगा वास्तविक झांकी, जो तुझे अपने आप के अंदर वो प्रकट स्वरूप महसूस होगा, उसे अनुभव करेगा और बाद में तू उसे देखेगा। क्योंकि किसी चीज़ को जानने के लिए हमें तो अपने आप को त्याग करना पड़ता है, परंतु हम अपने आप का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वास्तविकता को नहीं जान पा रहे। वास्तविकता क्या है, उसे समझने के लिए मानव बनना होगा। अभी तो तुम राक्षस, दानव, दैत्य, अहिंसक नहीं बने हो। अभी तक तुम्हारे अंदर दानवता, दैत्यता, राक्षसीय वृत्ति, ये सभी कुछ तुम्हारे में व्याप्त हैं। जब ये तुम त्याग दोगे, तब तुम्हारे में मानवता का उदय होगा, और मानवता ही इस जगत श्रेष्ठ को कल्याणकारी बनाने वाली है। अन्यथा हम देख रहे हैं दुनिया दुखी है। ये दुनिया दुखी होने के पीछे का कारण यही है कि जब सीता जी पर लांछन लगाया और उस वक्त की किसी भी दुनिया के जो लोग थे जिन्होंने इस लांछनता को गलत नहीं किया, अनुमोदन किया, इसी वजह से जिस जिसने अनुमोदन किया है वो सारे ही जगत के लोग दुखी हैं, कष्ट संघर्ष हैं। कष्ट दुख नहीं है, हमें कुछ पाना है तो पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ करेंगे तो संघर्ष होगा, और संघर्ष होगा तो कष्ट होना ही है। कष्ट होगा वो दुख नहीं है, दुख तो वो है जो हम जानते हुए अपना रहे हैं, दुख तो वो है जो हम अनभिज्ञतावश नहीं परंतु सोच समझ कर उसे अपना रहे हैं। क्या तुम्हें खबर नहीं है इस दुनिया में कि सारे ही आए हुए तो चले जा रहे हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं, किसी का कोई समय नक्की है, वो उसी पर आया और उसी पर चला गया। इसीलिए तो हमने समय को जाना है, प्रातःकाल, मध्याह्नकाल, सायंकाल और रात्रिकाल, परंतु समय को समझा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमने भोग करने के लिए समय का उपयोग किया है, सदुपयोग नहीं किया है। बहुत कम संसारी व्यक्ति इस जगत के अंदर हैं जो सत्यता की तरफ आकर्षित हैं, अन्यथा तो देख रहा हूँ उस संघर्ष को वो लोग दुख मानते हैं और पीड़ा पाते हैं, कष्ट पाते हैं, परेशानी पाते हैं, बीमारी पाते हैं,
और ना जाने किन किन प्रकार से वो दुखी होते रहते हैं। ये संसार सारा दुखी हरा है, परंतु इस दुख संसार के अंदर हमें अपने आप को एक करना है, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ से दुखों का नाश हो रहा है। यानी सीधी सी सहजता से एक ही बात समझाई जा रही है, अंधकार को हटाया हुआ जो प्रकाश पुंज हमने अपने भीतर देखा है, उस प्रकाश पुंज को जानो, उस प्रकाश पुंज की तरफ अग्रसर हो जाओ। भोग विलास में इस संसार के अंदर सभी ने देह को नश्वरता की तरफ लेके गए हैं, परंतु ये भोग और विलास, इससे ये जाना जा सकता है कि ये संसार की आवश्यकता है और संसार को इसी से मुक्ति पानी है। हमारा देह श्वास से चलता है, जिसे वायु कहते हैं, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। ये श्वास हमारे भीतर प्रवेश करके हमारे अंदर की ऊर्जा को पोषित करता है। यदि हवा नहीं होगी तो क्या वहाँ अग्नि ज़्यादा समय तक जलती रह सकती है? आप सोचिए, देखिए, विचारिए और अनुभव करिए। जानते हैं, सत्य हैं कि हमने ज्योत जगाई और उसे बंद कर दिया, जहाँ से उसे ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो रही है, तो उस ज्योत को बुझना ही है, उस चिंगारी को बुझना ही है, उस अग्नि को बुझना ही है, उस दीपक को बुझना ही है, परंतु उसे प्रयुक्त मात्रा के अंदर ऑक्सीजन का संयोजन होता रहे, तो वो किससे होगा? वायु से होगा। और वायु से जो ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा है, वो चेतना है। जो शिव से उदय हुआ, वो चेतनता, जो नारद के द्वारा आंजनेय के कान के अंदर वो प्रेषित किया गया, और वो गर्भ रहकर वो वायु, वो बल शक्ति और उस इस सृष्टि यानी अपना जो ये शरीर है, ये इस सृष्टि की रचना की गई है। ये हनुमान स्वयं हमारा देह है जो चलायमान रख रहा है। हनुमान क्या कर रहा है? हमारे देह को चलायमान रख रहा है, और देख रहा हूँ कि इसे जागृत चेतनवंता रखने के लिए ये ऊर्जा शक्तियाँ जो कार्य कर रही हैं, वो तंत्र मंत्र यंत्र और जंत्र, इन सभी को वश कर रही हैं। अब हमें जानना है, अब हमें समझना है, अब हमें अनुभव करना है कि ये किस तरह से हमारा शरीर चलायमान हो रहा है। हमने वायु को धारण किया, जिससे ऑक्सीजन की इसमें आपूर्ति हुई, और उसने हमारे देह के अंदर जो अग्नि का वास है, वहाँ जाकर उसने अपने आप को राममय कर दिया, मतलब चेतनवंता कर दिया, उसको अग्नि को प्रज्वलित किया। तो किसने किया? ऑक्सीजन की मात्रा ने। ये ऑक्सीजन की मात्रा कौन है?
हम जो इस ब्रह्मांड से ले रहे हैं शुद्ध चित तत्व को धारण किए हुए, अब इस शुद्ध चित तत्व को धारण करने के पीछे जो कारण हमारा है वो यही है। अब राम जी का जिसने विरोध किया था, नहीं सीता जी का विरोध किया था, तो वो जो पब्लिक हैं, वो जो प्रजा हैं, वो कष्ट दुख को प्राप्त करती हैं। और जिसने मन से अनुमोदन न करके और मन से जो पावर है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो बल है, जितना हो सका उन्होंने अंदर से प्रकट किया, और प्रकट करने के साथ ही वो चेतनवंता हो गया। इसीलिए इस संसार के अंदर बहुत से लोग सुखी भी दिख रहे हैं और बहुत से लोग दुखी भी दिख रहे हैं। अब उन्हें समझना है, जानना है और इसका ज्ञान प्राप्त करना है, और हमें जीते जी मरने का मार्ग ढूंढना है। जीते जी मरने का मार्ग क्या है, सूक्ष्मता में समझाऊं तो किसी को समझ नहीं आता है। इसीलिए एक वेद को इतने भागों में व्यक्त करना पड़ा कि उसके चार वेद बनाए, फिर उपनिषद बनाए, पुराण बनाए, और लोगों ने एक एक बात को समझा है, पूरा वेद नहीं समझ पाए हैं, और उन्होंने अपने धर्म बना दिए और अपना धर्म पंथ बना दिया। वो स्वयं मैसेंजर बन गए, वो स्वयं संदेश वाहक बन गए, परंतु वो ईश्वर तत्व को जान कर, ईश्वरीय तत्व क्या है, ये भारतवर्ष की भूमि पर आने वाले हर जीव जानना चाहता है, परंतु भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लिए हुए वो द्रोही लोग हैं जिन्होंने सीता का द्रोह किया था और उन्हें वनवास जाने पर मजबूर कर दिया था। तो समझ लो ये हमारे अंदर जो सीता हैं वो आत्म तत्व हैं, वो जीव को समझाने के लिए, जीव को ज्ञान देने के लिए, जीव को आगे अपने आप से साक्षात्कार करने के लिए वहाँ आ रहे हैं। परंतु देख रहा हूँ ये संसार बड़ा माया से ग्रसित हुआ, सत्य को नहीं समझ पा रहा है, अज्ञान की तरफ ही जा रहा है। वो कहते हैं कि जानबूझकर अपने कदमों कुहाली से टकरा रहा है, अब भी नहीं समझ पा रहा है और उन्हें समझाने का कार्य कर रहा है। ये शिवात्मा रामदास, इसी की वजह से मैं तुम्हें ये जगत के अंदर कार्यशील होना दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अनुभव करवा रहा हूँ। हमारे श्वासों पर ध्यान दीजिए, जो श्वास चल रहा है, जरूरी नहीं है तुम आसन लगा कर ही बैठो, जरूरी नहीं है तुम एकांत में ही बैठो, जरूरी नहीं है कि तुम अपने आप को किसी कमरे में बंद कर दो, परंतु ये प्राप्त करने से पहले जरूरी है। इसीलिए तुम्हें समझा रहे हैं अभी कली काल के संत महात्मा लोग, एकांत को धारण करो। श्री सदगुरु शिवात्मा रामदास की शरण में आकर मैंने जाना, तभी मैंने अपनाया, और आपसे साक्षात्कार करने के लिए सृष्टि जगत में आया। मृत्यु सहज है, मरना सहज है, और मरना सभी को है,
परंतु मरना कोई नहीं चाहता है। सब चाहते हैं कि ये शरीर हमारा बलिष्ठ बना रहे, चाहे हम इसका जतन करें या न करें, चाहे हम इसका ध्यान रखें या न रखें, परंतु हमारा शरीर बलिष्ठ रहना चाहिए। हम हर कार्य को पूरा कर सके, हर भोग को प्राप्त कर सके, हर भोग को भोग सके, और भोग भोगने के लिए ही शरीर चाहिए। शिवात्मा रामदास श्री सदगुरु ने समझाया है कि अब तो तुम जान जाओ, ये भोग प्राप्त करने के लिए 84 योनियाँ तुम्हें दी गई हैं, इंडज पिंडज उष्मज और स्वेदज में, ये जो तुम समझ रहे हो और अभी तुम मानव जन्म देह को प्राप्त किए हुए हो, तो मानव जन्म देह को प्राप्त कर तुमने क्या किया जानो। तुम्हें बंधन में रहना पड़ा। क्यों रहना पड़ा? क्योंकि तुमने वो किससे कर्म किए हैं जो इस जगत के अहित कर हैं। अब ये हित कर मार्ग को समझने के लिए, जानने के लिए, जीते जी किस तरह से मरा जाता है वो समझकर जीवन में उतारना है। नहीं तो यूं समझ लो कि तुम ये सोच रहे हो भोग करते करते प्राप्त कर लूंगा, तो कैसे प्राप्त होगा? भोग से शरीर में रोग व्याप्त होता है, योग शरीर को निरोगी बलिष्ठ तेजवान, और वो योग सिर्फ तुम्हें अपने श्वासों के द्वारा करना है, श्वासोश्वास को कंट्रोल करना है, श्वासोश्वास को वश करना है, श्वासोश्वास को नियंत्रित करके वश कर सकते हो। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने आप को इस जगत के अंदर, इस सृष्टि के अंदर जो भी हम आहार प्राप्त कर रहे हैं वो आहार सात्विक होना चाहिए, जल सात्विक होना चाहिए, नशा इत्यादि कोई न करें, और ये जीवन तत्व को जानने की वो जो शक्ति हैं, इस शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। ये जो जीवन की शक्ति है, पंच महाभूत तत्व इंडज पिंडज उष्मज और स्वेदज ने संयोजित किए हुए हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। इंडज पिंडज उष्मज और स्वेदज ने पंच महाभूत तत्व को संयोजित नहीं किया हुआ है, परंतु उस चेतन तत्व आत्मराम ने ये पांचों तत्वों को एकत्रित, सुदृढ़, बलवान, ऊर्जावान, और इसका मूल जो है, इसका तत्व है, अग्नि तत्व का तत्व अग्नि है, वायु तत्व का तत्व शीतलता है, जल तत्व का तत्व शीतलता है, और वायु तत्व में दो, जल में दो, और पृथ्वी में दो तत्व अपने आप सम्मिलित होते रहते हैं। आकाश में कोई तत्व है वो शून्य तत्व है, और उसमें अग्नि प्रज्वलित रहती हैं, परंतु वो सुसुप्त अवस्था में रहती हैं, ये ध्यान रहे। जब तक उसका संसर्ग चेतना से नहीं होता, तब तक वो सुसुप्त अवस्था को प्राप्त किए रहती है। जैसे हम भोजन करते हैं, तो हम भोजन करने के साथ जो हमने शरीर में आहार का प्रेषण किया है वो हमारे शरीर के अंदर गया, परंतु उसको चेतना प्रदान करने वाला, उस चेतना में से अपने आप की योग्य चेतना को धारण करने वाला ये पृथ्वी तत्व हमारे देह में है।
जल तत्व वो हमारे देह में है। वायु के द्वारा हमने ऑक्सीजन प्राप्त कर ली, तभी जाके ये सब क्रियाशील होने लगे। अब ऑक्सीजन है यही चेतना का स्वरूप है। अब इस चेतना को समझो, जानो। ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर में रहेगी प्रमाण से मात्रा में तो भी वो अस्थिर रहेगा, और कम मात्रा में रहेगी तो भी वो अस्थिर रहेगा। इसीलिए हमें स्थिरता को प्राप्त करने के लिए इंगड़ा पिंगड़ा को धीरे धीरे नियोजित करना है, और नियोजित करते 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 हमें अपने आप को उस सुषुम्ना की तरफ अग्रसर होना है, जो हमारे देह में अविरत चेतनाओं को प्रदीप्त करती रहती हैं। वो सुषुम्ना